नमस्ते जी, नमस्ते। नाम क्या है आपका? लक्ष्मीकांत कालिया। ओके, एज कितना है? मेरा एज है अभी 51। ओके ओनली। ओके, और आपने और भी और उसको 18 कर दिए समझो, एक 5 दिन में। मेरे को इतना अच्छा अनुभव लगा आपका, आपकी इसमें स्वास्थ्य जो किरण, मैं आपके इसमें आया हूँ। ये मेरे ख्याल से मेरे जीवन में पहली बार किया हुआ है ये जो बस्ती है, और आपका जो भी शेड्यूल रही है 3 घंटे में आप एकदम वो तो जवान करके छोड़ देते हैं। आज मैं फील खुद मैं फील कर रहा हूँ कि एक 20 साल का हो गया आज। ग्रेट ग्रेट। तो ये समझो ये 8-10 दिन में जो जितना भी किया आपने 5 दिन का, उसमें आपका आहार का कैसे रहा शेड्यूल? आहार का शेड्यूल मेरा जो है, सवेरे आप जो जैसा बोलते हैं कि मनु का और ड्राई फ्रूट पे रहो, और बाद में 10 बजे जो है फ्रूट और वेजिटेबल्स ज़्यादा रहना चाहिए, जो दलिया है और हल्का फुल्का। यानी उससे इसमें क्या है बोलते, आप जो बोलते हैं वेजिटेबल्स में 19% ये पानी रहता है। एक्चुअली देखिए तो जैसा कि अपना गेहूँ में नहीं रहता, सबका प्रमाण कम है, 70% ऐसा रहता है। इसलिए आप जो डाइट देते हैं वो शरीर के अनुसार, तो शरीर प्रकृति के अनुसार ही देते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। और आपने जो 4 बजे वापिस छाछ और शाम में जो और वेजिटेबल्स 6 बजे वापिस दलिया और वेजिटेबल्स, और बाद में शाम में दूध और हल्दी का समझो, तो ऐसा पूरा शेड्यूल आपका बहुत ही बढ़िया, शरीर को अच्छा रहता है और रेगुलर के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया रहता है। फिर आप समाधानी है? बिल्कुल समाधान है। ओके, आगे से आपकी दिनचर्या में प्राकृतिक चिकित्सा का फॉलो करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे ना। ओके, ये कैसा है आज? ठीक है, आज 5 दिन हो गए, लेकिन रेगुलर यदि करेंगे आप तो ही बदलाव और अच्छा बढ़िया रिजल्ट भी रहेगा। तो ऐसे ही प्राकृतिक दिनचर्या आप यहाँ पे, हम बोलते कि हमारा ये कुछ ट्रीटमेंट सेंटर नहीं है, ये तो ट्रेनिंग है आपको एक लर्न करने की, हेल्दी कैसे रह सकते हैं। तो आप जीवन में दिनचर्या में कैसा खुश रह सकते हो। चलो, आपके जीवन में ऐसे ही परिणाम पड़े और आपका जो भी शेड्यूल है जल्दी से जल्दी आप प्राकृतिक जीवन की ओर लौटे, और ऐसे ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।